हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू फॉर अनदर लेक्चर विच इज़ ऑन पेल्टन बी। ये फ्लूड मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। टर्बाइन से लेकर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर हम ये देखेंगे पेल्टन व्हील के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे पेल्टन व्हील वर्क करता है। पेल्टन व्हील को हम पेल्टन टर्बाइन भी बोलते हैं और इससे एसोसिएटेड जो एफिशिएंसीज हैं उनको भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स की हम बात करें तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये हेड रेस। हेड रेस और टेल रेस क्या होता है? हेड रेस होता है बेसिकली जो हाइट होती है, हाइट का जो टॉप पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हेड रेस। और वाटर जहाँ पे डिस्चार्ज होता है, मतलब जैसे पानी आएगा ऊपर हेड रेस से, टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन से टकराने के बाद वो जहाँ जाता है उसको हम बोलते हैं टेल रेस। ठीक है, तो हेड रेस ऊपर टॉप वाला पोर्शन होता है और टेल रेस बॉटम वाला पोर्शन होता है। उसके बाद आप देखोगे डैम। अब डैम क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? डैम इसलिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं तो हेड जनरेट करने के लिए। ठीक है, डैम में हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद जिससे उसकी हाइट बन जाती है उसको बोलते हैं हम हेड जनरेट करना। ठीक है, हाइट बनेगी तो हेड जनरेट होगा, हेड जनरेट होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट कर। उसके बाद पेनस्टॉक है। तो पेनस्टॉक बेसिकली काम करता है, जो वाटर होता है उस वाटर को कैरी करता है डैम से टरबाइन तक। ठीक है, पेनस्टॉक इज अ सिंपली पाइप विच कैरीज वाटर फ्रॉम डैम टू टरबाइन। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नोजल और स्पीयर अरेंजमेंट लगा रहता है। नोजल क्या करता है? नोजल ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया वाला पोर्शन होता है, कॉनिकल शेप पोर्शन होता है, जो कि क्या करता है, इसमें एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। और एरिया डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो नोजल क्या करता है, एक हाई वेलोसिटी का जेट क्रिएट करता है और उस जेट को हम फॉल कराते हैं रनर की बकेट्स पे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इसका ये रोटेटिंग एलिमेंट है। जैसे पंप्स होते हैं तो पंप में जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम इम्पेलर। इसी तरह टर्बाइन्स में जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम रनर। क्या बोलते हैं? रनर। और रनर के ऊपर क्या लोगे हो, बकेट्स लगे होते हैं, उनको बेंच बोल सकते हैं, ब्लेड्स बोल सकते हैं, जिन पर वाटर स्ट्राइक करता है। और वाटर स्ट्राइक करेगा तो उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा और फोर्स एग्जर्ट करने से वो रनर क्या होता है, मूव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आता है। केसिंग क्या होता है? केसिंग एक आउटर कवरिंग होता है जो कि मेटल का बना होता है जनरली, और तो ये केसिंग होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे एक इनलार्ज व्यू दिखाया गया है यहाँ पे। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये पेल्टन व्हील है। ठीक है, पेल्टन व्हील में बकेट्स होते हैं और ये नोजल एंड स्पीयर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नोजल एंड स्पीयर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ये आपका नोजल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये देख रहे हो आप ये वाला जो ग्रीन कलर में, ये स्पीयर कहलाता है। तो स्पीयर क्या करता है, पानी के फ्लो को, वाटर के वॉल्यूम फ्लो रेट को कम और ज़्यादा करता है। यदि इसको आगे की तरफ पुश करोगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि इसको और आगे की तरफ पुश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नोजल है वहाँ से जो वाटर निकल रहा है उसकी सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, यदि इसको आप पीछे की तरफ पुल कर देंगे तो क्या होगा, वाटर की सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पुश करेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी और पुल करेंगे पीछे की तरफ तो सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे आपका जो रनर है वो ज़्यादा स्पीड से रोटेट होने लगेगा। या देखिए सीधा सा है, रनर की जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी यहाँ पे जो वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है। ये ज़्यादा वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा तो रनर की स्पीड ज़्यादा होगी, या कम वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा तो रनर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसको हम रोटेट कराने के स्पीयर के लिए जनरली क्या रहता है, स्पीयर से एक व्हील अटैच रहता है और उस व्हील को हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं और उसको ऑटोमेटिक का भी ऑपरेशन उससे मतलब अटैच कर सकते हैं मैकेनिज्म। इसके बाद आप देखोगे, हाँ, ये पेल्टन व्हील के बकेट्स होते हैं, वो दिया है कि पेल्टन व्हील के जो बकेट्स होते हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप में होते हैं और उस हेमिस्फेरिकल शेप को बीच में से डिवाइड कर देते हैं। ये आप देख रहे हो ये बीच का डिवाइड है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटर। क्या बोलते हैं? स्प्लिटर। आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे ये पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटर बोलते हैं। ठीक है, अब इनका डिटेल देखते हैं। नोजल आपने बता ही दिया मैंने, नोजल क्या होता है, कॉनिकल नीडल शेप होती है जिसको हम हैंड व्हील से ऑपरेट करते हैं। फॉरवर्ड पुश करेंगे तो वाटर की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, या पीछे की तरफ पुन करेंगे तो क्या होगा, बैक डायरेक्शन पुश करेंगे तो वाटर की क्वांटिटी होगी वो
हो जाएगी इंक्रीज। तो इसका दूसरा कंपोनेंट है रनर एंड बकेट्स। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, रनर क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है। तो आप देख सकते हो रनर क्या है, सर्कुलर डिस्क है, कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑन द पेरीफेरी ऑफ विच, पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर सर्कमफेरेंस, मतलब जो बाहर का होता है। सेवरल बकेट्स आर इवनली फिक्स्ड, इवनली फिक्स्ड का मतलब होता है कि वो सारी बकेट्स होती हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लगी होती हैं। शेप ऑफ बकेट कैसा होता है, डबल हेमिस्फेरिकल कप होता है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। और उनके बीच में क्या होता है, स्प्लिटर लगा होता है, ठीक है। तो ये जो जेट को डिफ्लेक्ट करते हैं 170 टू 160 डिग्री करते हैं। देखो तो हेमिस्फेरिकल, डबल हेमिस्फेरिकल शेप बनाने का एक लॉजिक ये भी है कि दोनों जो फोर्स लगेगा वो दोनों तरफ इक्वल लगेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उस पर कोई मतलब एज अ मूवमेंट वो क्रिएट नहीं करेगा। अब जो बकेट्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, कास्ट आयरन है, कास्ट स्टील है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है, इन सबके बकेट्स बने होते हैं, है ना। और बकेट्स किस चीज़ के बनाने हैं इस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका जो लोडिंग कैपेसिटी है वो कितना है। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो पेल्टन व्हील होता है, पेल्टन व्हील को हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपका जो हेड है वो ज़्यादा होता है, हाई हेड, और पॉली फ्लो रेट है वो क्या होती है, कम होती है। तो पेल्टन टर्बाइन इज सूटेबल फॉर द हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। केसिंग, केसिंग का काम होता है, जो देखिए वाटर जो है, आप देखो कि इसमें यहाँ पे वाटर टकरा रहा है, ठीक है, और ये हाई स्पीड से वाटर आ रहा है। तो टकराने के बाद जब वाटर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, तब भी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे यदि कोई होगा तो उसको क्या कर सकता है, वो हार्म कर सकता है, हर्ट कर सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। यदि उसकी स्किन से टकराएगा तो स्किन को वो क्या कर देगा, कट कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इस पर केशिंग बना दिया है, जिससे वाटर बाहर स्प्लैश ना हो, उसी केशिंग में अंदर रहे, ठीक है। दूसरा आपका रनर है, रनर की सेफ्टी हो जाएगी उससे, मतलब रनर कोई एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में एक्सपोज नहीं है, तो और उसकी रनर की ब्लेड्स वगैरह हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद आप देखोगे केसिंग बता दिया मैंने, केसिंग बना किसका होता है, कास्ट आयरन है, फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट है, ये इसका बना होता है। ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट का जो काम होता है वो बेसिकली किस तरह का होता है, ब्रेक लगाने जैसा, ठीक है। अब एक चीज़ आप समझते हैं इसमें, जैसे मान लो ये चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने इसको बंद करना है, ठीक है, इसको क्या करना है, बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्पीयर को आगे पुश कर देंगे, यहाँ पे स्पीयर को आगे पुश करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसके बंद करने से भी ये पेल्टन व्हील रुकेगा नहीं। इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि पेल्टन व्हील का कुछ मास है, मास के कारण इसका कुछ इनर्शिया होगा, और उस इनर्शिया की वजह से काफ़ी देर तक क्या होगा, रोटेट होता रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मास होता है, मास होने से ही काफ़ी देर रोटेट होता रहेगा। इनकेस मान लो कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और आपको पेल्टन व्हील को एकदम से रोकना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जेट लगा देते हैं, ये भी इस तरह का नोजल टाइप का लगा देते हैं, जो कि क्या करता है, इस फ्लो को उल्टे डायरेक्शन में सप्लाई करता है। उल्टे डायरेक्शन मतलब को ये है कि जैसे अभी बात करें तो ये अभी इस तरह रोटेट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से पानी टकरा रहा है, तो इस तरह से रोटेट हो रहा हो। तो हमने क्या लगा दिया कि यहाँ पे जेट लगा दिए, जो कि फ्लो को इस डायरेक्शन सप्लाई करेगा। तो ये क्या करेगा, इस जिस तरह से रनर फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को ये इस तरह से अपोज करेगा, तो ये तुरंतली इंस्टेंटेनियसली रुक जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नोजल कम्प्लीटली क्लोज बाई मूविंग द स्पीयर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अमाउंट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द रनर रिड्यूस टू जीरो, ठीक है, पानी बंद हो जाएगा ना, लेकिन इनर्शिया के कारण वो रिवॉल्व होता रहेगा लॉन्ग टाइम का। टू स्टॉप द रनर इन शॉर्ट टाइम, रनर को छोटे शॉर्ट टाइम में स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नोजल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि वाटर बैक ऑफ द वैन डालेगा। इसको जेट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट। तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आप यहाँ के इसकी जब हम वर्किंग देखें, तो वर्किंग सीधा सा है, ये यहाँ पे वो लगा हुआ है, रिजर्वर या डैम है, ये डैम का ये गेट है, तो गेट से आप क्या कर सकते हो, पानी की सप्लाई को रेगुलेट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ये पेन स्टॉक है, पेन स्टॉक क्या है, सीमेंट का पाइप होता है, मेटलिक पाइप भी यूज़ करते हैं, जो कि वाटर को कैरी करता है डैम से टर्बाइन तक। अब देखिए एक चीज़ होगा इसमें क्या, कि जब वाटर हाइट से नीचे की तरफ आएगा तो वो एक्सीलरेट होगा जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे वाटर यहाँ से इस तरफ मूव करेगा, जैसे जैसे वाटर यहाँ मूव करेगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ग्रेविटी के अंडर में नीचे फ्लो होती है
तो क्या होता है वो एक्सीलेट होती है, और एक्सीलेट क्या होती है, जी की स्पीड से, जी जो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलेट होता है। एक्सीलेट होने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ हाई वेलोसिटी हो जाएगी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नोजल भी लगा दिया है, तो नोजल क्या करेगा, उस वेलोसिटी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो वेरी हाई वेलोसिटी का जो जेट होगा वो रनर के बकेट से टकराएगा, और रनर के बकेट से टकराएगा तो वो रोटेट होगा। अब जब रनर रोटेट होगा तो रनर शाफ्ट पर अटैच है, उसकी शाफ्ट भी रोटेट होगी, और जब कोई शाफ्ट रोटेट होती है तो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। लेटर ऑन दैट मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। जनरेटर आपने अल्टरनेटर लगा दिया, और अल्टरनेटर से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाएगी। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको हम अलग अलग जगह भेज सकते हैं, ठीक है। और ये टेल रेस है, मतलब टेल रेस जनरली क्या है, रिवर होती है। तो हम उस वाटर को डैम से जो पानी आया वो टरबाइन से की ब्लेड से टकराए, टकराने के बाद उस पानी को हम दोबारा कहाँ डिस्चार्ज कर देते हैं, रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी वर्किंग। अब वर्किंग के बाद हम देखते हैं इसकी इफिशियंसी। सबसे पहले मैकेनिकल इफिशियंसी देखते हैं। तो मैकेनिकल इफिशियंसी का मतलब शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल होगा, ठीक है। आपका देखिए, सबसे पहले यदि हम पावर की बात करें तो पावर किस तरह से इसमें ट्रांसमिशन हो रहा है। सबसे पहले नोजल के पास पावर था, नोजल में जो वाटर था उसके पास पावर था, उसने अपना पावर किसको इम्पार्ट किया, रनर को इम्पार्ट किया। और रनर से वो पावर कहाँ ट्रांसमिट होगा, शाफ्ट ऑफ द रनर में, है ना। शाफ्ट ऑफ द रनर बोल सकते हैं, शाफ्ट ऑफ द टरबाइन बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और वो फिर एनर्जी किस में, टरबाइन से कि शाफ्ट से वो कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, अल्टरनेटर में, उसमें चेंज होगा। तो अब हम मैकेनिकल इफिशियंसी कैसे डिफाइन करते हैं, पावर अवेलेबल एट द टरबाइन शाफ्ट, टरबाइन की शाफ्ट को कितना पावर अवेलेबल है, और रनर ने कितना पावर डेवलप किया। देखिए, टरबाइन की शाफ्ट में जो पावर अवेलेबल होगा वो कम होगा रनर की पावर से, क्योंकि क्या होगा, रनर और शाफ्ट है उसके बीच में भी कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट्स लगे होंगे, जिसमें जैसे फ्रिक्शन वगैरह कुछ जनरेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पावर रनर वाली पावर है वो रनर वाली पावर ज़्यादा होगी, और टरबाइन की शाफ्ट जो पावर अवेलेबल होगी वो थोड़ी कम होगी। तो इस तरह से हम मैकेनिकल इफिशियंसी को डिफाइन करते हैं। उसके बाद है आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का मतलब ये है सीधा, कितना वाटर पूरा आ रहा है और कितना वाटर एग्जैक्टली स्ट्राइक हो रहा है टरबाइन की, टरबाइन पे। देखिए, जो पानी आएगा वो सारा पानी टरबाइन पे स्ट्राइक नहीं होगा, उसमें से कुछ पानी क्या होगा, बाईपास हो जाएगा, वो बिना टकराए हुए बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर, जो पानी एक्चुअली स्ट्राइक कर रहा है, और टोटल वाटर हम कितना रनर से, रनर को सप्लाई कर रहा है, नोजल से कितना टोटल पानी आ रहा है, और एग्जैक्ट कितना उससे रनर से टकरा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्यू अपॉन क्यू देख सकते हैं, ये एक्चुअल कितना टकरा रहा है, और ये एक्चुअल कितना टकरा है, डेल क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पानी जो बाईपास हो जा रहा है बिना टकराए हुए, रनर की ब्लेड से बिना टकराए हुए क्या हो जा रहा है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब इसमें है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए फाइनल आपको क्या मिल रहा है, सबसे पहले रनर पे आया, रनर से शाफ्ट में, तो ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब हुआ टरबाइन की शाफ्ट पे जो पावर अवेलेबल है अपॉन पावर अवेलेबल है टरबाइन इनलेट। तो टरबाइन की शाफ्ट पे टू, यदि हम मैकेनिक उसकी बात करें वो तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हो जाती है टरबाइन के बाद, तो टरबाइन में लास्ट पॉइंट क्या है, शाफ्ट। तो शाफ्ट पे जो एनर्जी अवेलेबल होगी वो हो गया आउटपुट, और टरबाइन के इनलेट में कितनी एनर्जी सप्लाई की वो हो जाएगा आपका इनपुट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी अपॉन रोजी क्यू एच, रोजी क्यू एच हम निकालते हैं कि पावर आपने टरबाइन को कितना सप्लाई किया, मतलब वाटर जो आ रहा है वो वाटर कितना पावर सप्लाई कर रहा है आपका टरबाइन। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।